For IFAP, International Fashion Academy, Pakistan. IFAP's basically mission is to establish a platform that allows the next generation of fashion industry professionals to study their field in a more professional environment. A private training institute, IFAP endeavors to provide acting essentials, hair and skin care, and speech enhancement. IFAP's vision is to create a new generation of trained professionals who can lead Pakistan's fashion industry nationally and internationally as well. IFAP is also led by the Canadian-based entrepreneur Uzi Zedi, who's right here with us, who has a seasoned history in establishing educational and training institutes within fashion industry abroad. He brings to IFAP his international experience with Goldstein Modeling Agency and Goldstein Acting Academy. Shahzad Raza of Athar and Shahzad is the head of the faculty. There are crash courses as well offered at IFAP, and this span between a few weeks or a couple of months as well. Upon successful completion of the course, it's not only nationally based but internationally for sure, which has come from Pakistan. So I think all of us have done a pretty good job so far, but this academy was needed. It's been needed for the industry. It's one industry that has given Pakistan. Happy as the young nervous as well, because mere saamne itne bade log hain aur main sochta ka khadi hu. मुझे अपने आप को सीईओ भी नहीं कहना चाहिए. बेसिकली ये सब लोग हैं जो इस कंपनी को, इस आईफैप को खड़ा कर रहे हैं. मैं अकेली नहीं हूँ. ये कल की बात लगती है जब मैं फैशन इंडस्ट्री में आई थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था. मैं ड्रीम लेके आई थी कि मैंने एक मॉडल बनना है और मुझे लकीली अतर शहजाद मिले जिनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी. आज अगर मेरी सैयद है उन लोगों के लिए है. और मैं यहाँ पे और भी एक बात बताती चलूँ कि इनिशियली हम लोग ये लाहौर में शुरू कर रहे हैं और इसको मैं पूरे पाकिस्तान में, मैं नहीं कहूँगी, हम सब लोग इसको पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे. मेरे पार्टनर हैं सरूर जैदी जो पाकिस्तान मिस कर रही हूँ, उमर सईद वो भी पाकिस्तान में नहीं है, अगर वो होते वो जरूर मिलते. दीपक से मेरी बात हुई थी, कराची में उनको भी थोड़ा काम था. नेकी नीना, थैंक यू सो मच. नेकी नीना हमेशा से मेरा साथ देती हैं इस पूरी फैशन फील्ड को, वो हर जगह पे दोनों हर एक को सपोर्ट करती हैं. थैंक यू सो मच नेकी. नीना थोड़ी बीमार है, वो इधर है नहीं. और मैं भी अफकोर्स ही सिटिंग हियर एंड इज अ लवली फ्रेंड. हमेशा आज भी मैं आउटफिट मुझे नहीं मिल रहा था, मैं शेयर करना चाहूँगी. मैं भागती मेहंदी के पास लेके, मैं फिर आऊँ, फिर जल्दी से मुझे बना के दो. एंड इज अ लवली फ्रेंड कामयान रोगनी, जिसको मैंने कल से बहुत ज़्यादा कॉल्स की हैं और सबसे ज़्यादा कामरान कामयान को मैंने फोन किया है. थैंक यू सो मच कामी, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में हमें सब लोगों को. मैं इसलिए सबका वन बाय वन नाम ले रही हूँ कि मेरे लिए आप सबकी बोली वैल्यू है कि ये आईफैप आप लोगों का. और नोमी अंसारी वो भी इधर नहीं है, इमान अली जी तो इन कराची, सबा अंसारी सैफ वो भी कराची में है, वो इधर है नहीं. प्लीज़ मैं नैटी का नाम जरूर लेना चाह रही हूँ कि नैटी जो है वो हमारी सबसे आप, मैं ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ, लवली फ्रेंड एंड अमेजिंग पर्सन बाय हार्ट. बार बार चीज में गई थी, मैं सॉरी इनका नाम लिखना भूल गई थी और ये भी बहुत बिजी थी. ताकि आप मेरा नाम ना भी लिखें फिर भी कोई भूल नहीं सकता. थैंक यू सो मच. एंड ऑफकोर्स माई गुड फ्रेंड एंड लवली पर्सन इफ़त रहीम. इफ़त इज़ अ लवली पर्सन. जब मैंने इफ़त को पहली कॉल की कि इफ़त मैं इस तरह का एक पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट बनाना चाहती हूँ एंड आई नीड योर सपोर्ट, शी सेड मेरी तुमने कह दिया ये पर तुम्हें कहीं में भी मेरी ज़रूरत है आई एम देयरफॉर. वेल थैंक यू सो मच इफ़त. एंड रिजा
मिसबा एंड शमल विदा जो है मेरी मैं सरद आपा का भी यहाँ जरूर मैंशन करूँगी कि शी इज अमेजिंग पर्सन. जब मैं इस फील्ड में आई शी इज द वन जो कि मुझे शुरू में ही नहीं किया मेरी तुम्हें अतर शहजाद के पास जाना चाहिए तुम्हारे में बहुत टैलेंट एंड यू शुड गो टू अतर शहजाद और सीधा मैं अतर शहजाद के पास आ गई थी. तो विदा जो है मुसरत आपा की बेटी हैं और बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं एज ए वेरी गुड ह्यूमन बींग एंड शमल जो कि अभी पूनियन गायको भी कर रहे हैं एंड इज अमेजिंग पर्सन आई कॉल हिम एंड ही सेड मेरी लाइफ के फॉर वेल थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑफ कोर्स माय क्लीन माय फ्रेंड हैंडसम लायल स्वीट हार्ट अमेजिंग पर्सन जो कि खुद भी एक अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं. जब मैंने उनको बुलाया वो आए मेरे इंस्टीट्यूट में सेट मेरी आप जितना अच्छा मुझे इतनी पॉजिटिव उन्होंने वेव दी कि मेरी आप ये काम कर रही हैं एंड वेव फॉर यू है. हमेशा से जब मैं अपनी नहीं मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि मैंने मॉडलिंग शुरू की और मैं पाकिस्तान से बाहर पहली दफ़ा ट्रैवल कर रही थी इंतजार से कि आपके साथ मेरी नायल जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के बहुत बड़े मॉडल हैं तो आप लोग जाइएगा नहीं. अब मेरा पहला एक्सपीरियंस था फैशन इंडस्ट्री में और मैं इंडिया गई नायल के साथ और मैं बहुत कंफ्यूज थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी. तो शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मेरी कि बहुत कम फाइन घूम इस फील्ड में लोग हैं नायल उनमें से एक है और उसके बाद एक दूसरे फैशन इंडस्ट्री के बहुत बड़े मॉडल इमाद इरफान हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसके साथ लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा शूट्स किए हैं. एक अच्छा इंसान एक अच्छा दोस्त जिसने हमेशा मुझे हर फील्ड में मेरा साथ दिया है और अब जितनी भी हमारी माशाल्लाह 8 साल की जर्नी है मेरी एज ना प्लीज़ कोई गेस करे वो ज़्यादा नहीं है. तो इस एक्सपीरियंस में इमाद ने नैतीन का क्यों हसी है इमाद ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया एंड थैंक यू सो मच इमाद यू लवली पर्सन की आप आज मेरी एक कॉल पे इमाद ने मुझे एक मिली नो प्रॉब्लम. एक और मेरा था है कि आईफैप की जो पूरा इंस्टीट्यूट है जो डिज़ाइन किया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अमजा तारा जिनका मैं जिनको कहूँगी कि जितना आईफैप का मैंने ड्रीम सोचा था उसको हकीकत की एक शक्ल देने वाले वो हमजा तारन है. हमजा थैंक यू सो मच बिकॉज हमजा की एफर्ट के बगैर आईफैप नहीं बन सकता था. हमजा की जिस तरह मैंने सोचा था उससे भी हसीन आईफैप को बनाया है थैंक यू सो मच. और बाकी भी आईफैप के जितने भी हमारी ब्रांचेज हैं वो हमजा ही बनाएंगे. हमजा ही पहली मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नादिया हुसैन है. नादिया इज नॉट हेयर ऑल्सो मॉर्निंग में उनका अराइवल हो रहा है सेट के मेरी मेरी तरफ से ज़रूर कह देना बिकॉज उनके रिकॉर्डिंग थी जिसकी वजह से वो भी पहुँच नहीं सके हैं. एंड जुगिन काजी मेरी एक और बहुत अच्छी दोस्त है जुगिन ऑल्सो वो अभी कोई रिकॉर्डिंग अपनी अदा कर रही हूँ. असमा मुमताज जो एक माशाल्लाह एक हसीन औरत भी हैं और एक अमेजिंग पर्सन भी हैं. मुझे हमेशा से जब भी मेरे साथ आती हैं हमेशा जब मैं उनसे मिलती हूँ मुझे लगता है कि एक इंसान जो ज़िंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देता है वो असमा है. जब भी इनसे मिलें ये एक हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है एंड थैंक यू असमा थैंक यू वेरी मच. एंड यासिन निसार मेरे बहुत पुराने दोस्त एक बहुत ही अच्छा एक फाइन पर्सन जो कि बहुत देर से इस फील्ड में है और हमारा इधर ट्रॉफी का भी और बाकी भी जो है मुझे सपोर्ट किया है काम का. मैंने एक ही कॉल की कि मुझे यासिर आपकी ज़रूरत है एनी गोज के मेरी मैं हमेशा आपके साथ हूँ. थैंक यू सो मच यासिर. एंड डॉक्टर हारून नबी डॉक्टर साहब अब फिर किसी की बैठ के सर्जरी कर रहे होंगे या किसी को बोटॉक्स लगा रहे होंगे. आई कॉल दे मैनी सेड मेरी आई एम ऑन माई वे और वो आते ही होंगे बट ही इज अ लवली एंड अमेजिंग पर्सन डॉक्टर हारून अभी इस फील्ड में आई थिंक 11 to 12 ईयर्स हो गए वो काम कर रहे हैं और हमेशा से ही मतलब मैं छोटी सी थी आई वॉज 13 years old तब से मैं उनको जानती हूँ. एनी सेड के आप इस तरह को जो है एक सपोर्ट किया है क्योंकि आप लोगों के बगैर ही आगे नहीं जा सकती. प्लीज़ हमने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और आपने हमारी मदद करनी है. थैंक यू सो मच.
और आईफैप की मेरी टीम है, मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरी पीआर एजेंसी लोटस का एंड स्पेशली कासिम यार दीवाना का, क्योंकि कासिम ने आज ये जितनी भी इवनिंग है उसको इतने प्यार से सजाया है. थैंक यू सो मच कासिम, थैंक यू सो मच एवरीवन. I think Nabeel, that was a very good. Right now, I would like to invite Uzi Zedi, who is the partner, founder, and the director for IFAP. Please come and share your thoughts with us. Thank you, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I would like to welcome you on behalf of IFAP's administrative team and its faculty members on this memorable day, where Pakistan's fashion industry has taken another leap forward in having its very own fashion academy, which consists of subjects that not only produce careers in Pakistan, but will produce personalities and professionalism. I would like to shed some light on our academy's curriculum. IFAP has made sure the subjects which are taught by our industry professionals slash faculty members are up to the international standards, and it does meet the par of any fashion academic subjects abroad. I had a vision. I was in Canada, I came to Pakistan, and I said, you know what, there's one thing that's lacking, and it was long due, and that was a fashion academy. I was introduced to Maryam Sayyid. She represents beauty, she also represents commitment, hard work, and professionalism. And most importantly, she presented a dream that has become a reality. Ladies and gentlemen, put your hands together for my best friend, my partner, supermodel, Maryam Sayyid. He's been a great help to us. I thank everybody over here, and we look forward to a great year ahead. Thank you very much. तो शहजाद रजा था और अथर था एंड टुगेदर आई डोंट नो हाउ दे मेड इट हैपन बट दे आर नॉट ओनली स्टार्स टुडे वी कैन एक्चुअली से दैट दे आर स्टार मेकर्स बट दे आर स्टार्स देमसेल्फ बिकॉज दे पुट इन सो मच एफर्ट रिगार्डिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ अ मॉडल शुड स्पीक एंड हाउ अ मॉडल शुड स्टैंड एंड हाउ अ मॉडल शुड पोज द लाइटिंग फोटोग्राफी And now a lot of Photoshop, of course. But a lot of all of that. And you know, now, mashallah, they've got like a big studio and everything, which everybody gets to see. But nobody really looks at the time from where they started, from just a camera and a reflector and makeup and model. I mean, even our nail color had to be announced by Shahzad Raza. This will go with the entire look of the shoot. So I think we are very, very lucky and fortunate and happy to have him as a part of our industry forever now. And we do hope that he takes all of our dreams and all of the youth that is coming in now, un sab ki dreams, Shahzad Raza, bahut aage leke jaye, inshallah. Shahzad, may I please invite you to say a few words. Thank you very much. Ladies and gentlemen, first, I would like to thank everyone who has taken out time to join us here today to support us. It is indeed very heartening to see our friends, the fashion fraternity, and people from the media amongst us. As we take a new step for the progress of our industry, it gives me immense pleasure to introduce to you all the International Fashion Academy Pakistan, IFAP, which is Pakistan's first private training academy that will provide training and resource programs to our aspiring models, photographers, and makeup artists. I am indeed proud to be part of this initiative that hopes to bring out a fresh generation of trained professionals who can lead Pakistan's fashion industry here and abroad. I've always been a supporter of new talent. That's why I have associated with myself with IFAP. Our vision for IFAP is to provide basic training and counseling to the hopeful youth who want to enter this industry but unsure where to start from. Now they will know which door to knock.
the support we have from the stalwarts of the industry, including Sheru, Umar Saeed, Deepak, Nikki Nina, Kamyar, Mehdi, Nomi Ansari, Iman Ali, Sabah Ansari, Ifat Umar, Hamza Tarar, Nail Ahmed, Imad Irfani, Nadia Hussain, Shamal Qureshi, Rida Misbah, Jugan Kazim, Sabina Pasha, Asma Mumtaz, Yasin Nisar and Dr. Harun Nabi are on board with us, and students will have the chance to learn from their expertise, exposure and guidance. उसके बाद मैं मेरीन को बहुत बहुत थैंक यू करूंगा कि उसने बहुत बहुत मेहनत की है, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन यू जॉइंड देयर वाज नथिंग लाइक दिस, देयर वाज नो इंडस्ट्री, नथिंग वाज हैपनिंग, और यू केम टू मी वेरी वेरी सिंपल गर्ल, एंड जिसको मैं भी बहुत देर अवॉइड करता रहा और कहता रहा कि नो यू हैव टू लर्न अ लॉट बट आई डोंट हैव टाइम. And you always used to say that you want to do something for these new people, models, and I'm so proud of you that I can't even tell you. I'm very, very happy for you. Thank you very much. No, I'm just joking. So thank you for being here, the entire media and photographers, all of you. Now, one main announcement, jo maine pehle bhi ki thi, there is a red carpet. So please, okay, before Mareen is saying that anybody has any questions with any of our faculty members, you are free to ask them. Agar kisi ko bhi koi sawal karna hai, you can just write it on a paper, give it to me and pooch sakte hain aap log. Kisi ko koi sawal karna hai? Ji. Ji, we can hear you because this is the dome hall. Water Shazad ne kiya. Basically, ek insaan itne logon ko to guide nahi kar sakta. It's busy as well. Aur ek platform hum milke banana chahte the. Jitne aaj yahan pe log aap baithe dekh rahe hain fashion industry ke, ye milkar ek hum sab ki ek effort hai ki hum ek aisa platform banaye jahan pe nayi jo new generation hai jab wo aaye to unhe mehnat na karna pade, ya ek wo ek struggle jo hoti hai, ek unko rasta pata ho ki jab hum IFAP mein aayenge to hame yahan pe groom kiya jayega, guide kiya jayega, hame dhakke nahi milenge aur hame paisa nahi chahiye. इसकी हमने बहुत ही रिजनेबल और फिजिबल सी एक प्राइस रखी है कि जो हर कोई अफोर्ड कर सके, और ये सबके लिए है. ये किसी एक, ये 14 टू 40 इयर्स ओल्ड है ग्रूमिंग का, कि जिसमें जो लोग सीखना चाहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. तो जो आना चाहता है सर में सीखे, और जो मॉडल बनना चाहता है, कि उनको बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं जिनका ड्रीम है कि वो कुछ बने, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए. क्योंकि एक मतलब अगर शहजाद रजा की मैं मिसाल लेती हूँ, तो वो 10 से 15 लोगों को कर सकते हैं. उनकी लाइफ भी इतनी ज्यादा बिजी है, वो इतने लोगों को ग्रूम नहीं कर सकते हैं. तो इसी तरह ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ हम ज्यादा लोगों को गाइड कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं. और ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं फैशन इंडस्ट्री के बड़े लोग बैठे हैं, ये सब इसमें हेल्प कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे. थैंक यू. या प्लीज, यस. A two-year program, it's a two-month program which will teach them the basics to actually get into this industry. Hopefully, inshallah, in the future, we, you know, we plan to, you know, once we get recognized, we'd love to have a degree program as well. And currently I'm running an acting academy which consists of Hollywood directors like Brian Levy, who's a Gemini Award director. Goldstein will definitely be attached to IFAP. तो आप क्या कुछ ऐसा भी करने वाले हैं कि टीवी चैनल्स को भी आप कोई इस किस्म की ट्रेनिंग देने वाले हैं कि आपके न्यूज कास्टर को देने वाले वाले हैं कि मैंने वो मांगेंगे तो नहीं, कोई ऐसा प्लान है डेफिनेटली. लेकिन आप उनको क्या टीवी चैनल्स को भी इस किस्म की देना चाह रहे हैं कि आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को, मेकअप आर्टिस्ट को भेजें? यस, हाँ जी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को भी आप हमारे पास भेजें. तमाम टीवी चैनल्स को आप कहें कि मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास भेजें, ताकि उन्हें आइडिया हो जो उनके ड्रेस डिजाइन है, लाइक इस किस्म की कंसल्टेंसी को भी आप कुछ करने वाले हैं. क्योंकि मैं जब अपने इंडियन टीवी चैनल्स को देखती हूँ तो बड़ी सॉफ्ट लुक मेकअप होता है, लाइक बीबीसी वगैरह भी, तो इस वजह से हमारी तो दुनिया बनी बैठी होती है. सॉरी, आपका नाम नादिया? नादिया बुखारी. नादिया बुखारी, मैं आपको बताना चाहूँगी, बेसिकली ग्रूमिंग का हमारा मकसद ये नहीं है. ग्रूमिंग में जो एक इंसान आता है वो अपने आप को ग्रूम करने के लिए आता है.
तो अगर आप टीवी न्यूज़ में हैं, किसी जगह पर भी हैं, हम हर एक को उसकी जॉब के मुताबिक, उस इंसान की पर्सनैलिटी के मुताबिक उसको ग्रूम कर रहे हैं। हम इसमें हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं, कि बोलने से लेके आपके पर्सनल मेकअप का, उसमें अगर आप देखें तो स्पेशल ग्रूमिंग में मेकअप का है, हेयर एंड मेकअप, आपके पर्सनल हेयर ग्रूमिंग मेकअप का, आपके स्टाइलिंग का, आपकी हाइजीन का, आपकी स्पीच एनहेंसमेंट का। हमें हर एक इंसान में जो मैक्सिमम ज़रूरत है चेंज लाने की, जिस तरह मेरी पर्सनैलिटी का था कि मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, मैंने उस पर इन 8 ईयर्स में मैंने कोशिश की है कि मैं अपने आप को ग्रूम करूँ और आज अपने आप को चेंज किया। तो हर इंसान को हम जो आयताब में आ रहा है उसको ग्रूम करेंगे, ऑफकोर्स उसको ये बताएंगे कि मेकअप है। कि जो हमारे पास आएगा हम उसी को सिर्फ सिखा पाएंगे ना। वी वुड लव टू एक्चुअली चेंज द लुक ऑफ आवर टेलीविजन, बिकॉज़ वी कैन सी कि बहुत ज्यादा मेकअप होता है, द क्लोथ दे वेयर दे आर हॉरेंडस। तो उनको हमारे पास आना बहुत जरूरी है, जो कि हम एडवर्टाइज करेंगे, कम टू अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एक तो ये कि वो आएंगे, व्हाई नॉट आप जो मीडिया के ऑनर्स हैं, मतलब जो मालिकान हैं, उनको भी क्यों नहीं एक मतलब एक इन्विटेशन आइट देते हैं, उनको एक एडवाइस दे। मैं तो कैमरा साइड हूँ, मैं जब देखता हूँ अपनी होस्टेस को, जो भी जर्नलिस्ट जो है, आई डोंट थिंक वुमन बस आई थिंक दे प्रीटी, आई एक्चुअली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद इट, बट एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल स्टाइल, इफ इट इज सॉफ्ट इट विल बी डिफरेंट। थैंक यू। Thank you.
मेरा बैग आ गया है, हाथ का। मैंने अपना नीचे फेंक दिया।